आलू को यहाँ पे कहते हैं कर्तोश का। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने किसी के साथ रशियन के साथ बातचीत करनी है तो वो आप जब कैसे भी आप करोगे? किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लैंग्वेज की। वो आपसे पूछेगा काक तिबिया याबूत, मतलब आपका नाम क्या है। तो आप उससे बता सकते हो मिनिया याबूत एक्स वाई जेड, जो भी आपका नाम हो। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम हो रहा है शाम के 9 बज चुके हैं, वैसे तो रात ही हो चुकी है, पर अभी भी यहाँ पे अंधेरा हुआ नहीं है। मतलब सेंट पीटर्सबर्ग ऐसी सिटी है, इसमें कुछ दिन ऐसे होते हैं कि रात में भी उजाला रहता है, क्योंकि यहाँ पे सूरज बहुत लेट डूबता है और वैसे भी यहाँ के लोग दिन रात को भी जागते रहते हैं। सर्दियों में तो इस टाइम पे पूरा अंधेरा होता है, क्योंकि अभी गर्मियों का टाइम है। गर्मियों में सूरज बहुत लेट डूबता है, रात के 12-1-2 बजे, मतलब यहाँ पे अंधेरा होगा और 4-5 बजे फिर से उजाला हो जाता है। तो आज अपन बात करते हैं इस वीडियो में कि अगर अगर आप अगर रशिया में अगर ऐसे टूरिस्ट भी आ रहे हो या फिर काम करने के लिए या स्टूडेंट आ रहे हो, तो अगर आपको कहीं किसी से यहाँ पे बात करनी है, किसी से कुछ पूछना है, तो आप रशियन में थोड़ी बहुत बात कैसे करोगे, किस चीज़ को रशियन में क्या कहते हैं। तो जैसे ही मतलब जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लैंग्वेज की। बेसिकली तब जब उस कंट्री में इंग्लिश बहुत कम चलती है और बहुत यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं को ही इंग्लिश आती है। और अगर आप अगर किसी से कुछ भी पूछोगे, मतलब इंग्लिश में आप बात करने की कोशिश करोगे, रशिया में बहुत कम ही इंग्लिश आती है लोगों को। तो चलो अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं, अगर आपने किसी से बात करनी है तो सबसे पहले अपन हेलो हाय कहते हैं। जैसे यहाँ पे कहते हैं प्रीवियत। प्रीवियत कहते हैं कि जो आपके एज का होता है या थोड़ा बहुत आपसे बड़ा होता है या छोटा होता है, उसको प्रीवियत कहते हैं। प्रीवियत मतलब हेलो। और जो आपसे बड़ा है, जैसे जिसकी उम्र 60-70 है, उससे कहते हैं द्रास्तविचे, मतलब हेलो। ठीक है, तो अगर आपने किसी से, जैसे आप घूमने के लिए आ रहे हैं, आपने किसी कोई आपको मिल गया रशियन, आपने उससे बात करनी है, तो आप उससे पता क्या कहोगे, आपका क्या हाल हाल है, मतलब। तो रशियन में आप कहोगे काकवास दिला, इसका मतलब होता है कि आपका क्या हाल चाल है। तो आगे से वो जैसे आपको रिप्लाई करेगा मिन्यासो खराशो, खराशो कहते हैं यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तो अगर वो आपको पूछेगा कि अगर आपका नाम क्या है, तो पता क्या कहेगा, काक तिब्या याबूत, मतलब कि आपका नाम क्या है। तो आप उसको क्या रिप्लाई कर सकते हो, मिनिया याबूत एक्स वाई जेड, जो आपका नाम है उसको आप बता सकते हो। ऐसे करके आप धीरे धीरे या कि रशियन लैंग्वेज सीख सकते हो। और बेसिकली लैंग्वेज आपको साल अगर आप यहाँ पे रहते हो, वैसा एटमोसफियर मिलता है अगर आप रशियन के साथ काम करते हो, फिर बहुत जल्दी आती है। अगर जैसे आप यहाँ पे काम करने के लिए आते हो और इंडियन के साथ ही काम करते हो, तो बहुत टाइम लग जाता है लैंग्वेज सीखने में। अगर आप जो आपकी जॉब है वो रशियन के साथ है, तो फिर आप बहुत जल्दी रशियन लैंग्वेज सीख जाते हो। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे सब्जियों की, बेसिकली सब्जियों को क्या कहते हैं। जैसे अपने वहाँ पे आलू कहते, आलू आलू को यहाँ पे कहते हैं कर्तोश का, ठीक है। और जहाँ पे गाजर को कहते हैं मरकोप का, और जो टमाटर है टमाटर को कहते हैं पमीदोर। तो इसके बाद प्याज, प्याज को कहते हैं यहाँ पे लूक, ठीक है। और लहसुन को कहते हैं यहाँ पे चिस्नोक। ऐसे करके आप धीरे धीरे सब्जियों के नाम सीख सकते हैं पहले। उसके बाद आप आगे फ्रूट के नाम, फ्रूट में जैसे सेब है, सेब को यहाँ पे कहते हैं याबलका, ठीक है। और जो अपने केले हो गए, केले को कहते हैं यहाँ पे बनान, ठीक है। बनाना और बनान समझ, मतलब सेम सा ही है, एक अक्षर का फर्क है, ठीक है, वो आपको समझ आ जाएगा वैसे भी। तो अब बात करते हैं कि अगर आपने किसी के साथ रशियन के साथ बातचीत करनी है तो वो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आप उससे कहोगे प्रीवियत, वो भी आपको कहेगा प्रीवियत। तो उसके बाद आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी नाम से। वो आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, तो आप उससे बता सकते हो मिनिया याबूत एक्स वाई जेड, जो भी आपका नाम हो। उसके बाद वो आपकी बात बातचीत हो सकती है काकवास दिला, आपका क्या हाल चाल है। तो आप बता सकते हो मिनिया सो खरशो, खरशो बोलते हैं यहाँ पे सब कुछ ठीक है, मतलब ऑल इज़ वेल। तो आप ऐसे करके धीरे धीरे आप सीख सकते हैं, और आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे तो आपको बहुत जल्दी आपको रशियन लैंग्वेज आ जाएगी। अगर जैसे आपको रशियन लैंग्वेज आती है तो बहुत आपको लिए बेनिफिट हो जाता है। आप अगर स्टडी के लिए भी रशिया में आने वाले हो यहाँ पे हो, तो स्टडी में इजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद काम में तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है रशियन लैंग्वेज आ जाए तो। मेन दिक्कत यहाँ पे रशिया में आती है लैंग्वेज की आती है ज़्यादातर। तो अगर वैसे अगर आप किसी इंडियन के साथ ही या रेस्टोरेंट कैफे में काम करते हो, फिर तो आपका काम चल जाता है। वो आपको जो पुराना होता है आपका सीनियर, वो आपको बता देता है ये काम करना है ये नहीं करना, मतलब तो आपको समझ आ जाती है। और वहीं आप कहीं अगर फंस जाते हो रशियंस के साथ नए नए आके, यहाँ पे बहुत दिक्कत आती है आपको, फिर
समझने में बहुत दिक्कत आती है, तो टाइम लग जाता है काम सीखने में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो जल्दी अपन नई नई रशिया के ब्लॉग लाएंगे, नई नई यहाँ पे नई नई जगह पे जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।